हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द गिवन डायग्राम। द स्पीशीज अंडरगोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन इज, एंड द ऑप्शंस आर ए बी आर ओ थ्री नेगेटिव, बी बी आर ओ फोर नेगेटिव, सी एच बी आर ओ बी, डी बी आर टू। तो चलिए, हमें इस रिएक्शन में बताना है कि कौन सी स्पीशीज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ये कौन सी रिएक्शन होती है? द रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकता हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, एक ही स्पीशीज कि ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और उसकी रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। सो हमें जो रिएक्शन गिवन है दैट इज बी आर ओ फोर नेगेटिव, बी आर ओ थ्री नेगेटिव, एच बी आर ओ, देन बी आर टू, एंड देन बी आर नेगेटिव। सो अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लें हर केस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू फोर, क्योंकि ऑक्सीजन की माइनस टू होती है, दैट इज माइनस वन। सो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, सेवन प्लस सेवन। नेक्स्ट केस में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, सिमिलरली प्लस फाइव। नेक्स्ट केस में एच बी आर ओ में प्लस वन, बी आर टू में जीरो, एंड बी आर नेगेटिव में माइनस वन। सो जो हेलोजन है लाइक ब्रोमीन, ब्रोमीन कैन शो इफ यू राइट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन। तो वो कौन सी रहेगी, माइनस वन। माइनस वन तो इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि नेचुरली अकर होती है, बी आर नेगेटिव। जब ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी, बी आर नेगेटिव माइनस वन, देन जीरो। दिस इज फॉर एलिमेंटल ब्रोमीन, मीन्स बी आर टू, बी आर टू में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो। नेक्स्ट प्लस वन, प्लस वन कब होगी, जब ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करेगा, डोनेट करेगा, तो प्लस वन। जब ब्रोमीन अपना एक लोन पेयर, अब देखिए हैलोजन्स के पास अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें, सो इट इज लाइक ब्रोमीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो व्हेन इट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल शो प्लस वन, व्हेन इट डोनेट दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स इट विल शो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन इट डोनेट फाइव इलेक्ट्रॉन्स it will show plus 5, and it when it donate all the 7 electrons then it can show plus 7 oxidation state। so अब देखिए, अब हमें बताना है कौन सी स्पीशीज डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रही है, मतलब ऐसी स्पीशीज हमें ढूंढनी है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, जहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो सकती है। तो If first we consider BrO4 negative, अब यहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 7, so यहां पर ब्रोमीन इन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड शो प्लस, ये तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके प्लस 5 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, प्लस 3 शो कर सकता है, प्लस 1 शो करता है कर सकता है। सो मतलब यहां पर ब्रोमीन की रिडक्शन तो हो सकती है बट इसकी ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके बाद और इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट नहीं कर सकता, सो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, सो इट विल नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर सिर्फ इसकी रिडक्शन हो सकती है, नॉट ऑक्सीडेशन। सो ये तो नहीं है हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर हम स्पीशीज कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर बी आर नेगेटिव वन, बी आर नेगेटिव, यहाँ पे ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन।
अब ये -1 है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक तो शो कर सकता है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो सकती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, बट अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ब्रोमीन के ऑक्टेट फुल है Br नेगेटिव में, सो ये गेन और इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, सो ये रिडक्शन नहीं शो करेगा, सो इट विल नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, सो ये दोनों स्पीशीज तो हमारा आंसर नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कहती है डेल्टा जी, सो अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, सो रिएक्शन विल, देर विल बी नो रिएक्शन, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन विल बी देयर। इफ डेल्टा जी इज जीरो, सो रिएक्शन इट एज इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -NfE, ई नोट सेल। अब अगर किसी भी रिएक्शन के लिए जो ई की वैल्यू है, ई नोट सेल की वैल्यू, अगर ये क्या होती है नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, सो अब हम बाकी बचे स्पीशीज के लिए डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर वो नेगेटिव होगी तो देयर विल बी रिएक्शन, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकती है अगर वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेगी। सो नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें, दैट इज बी आर, BrO3 नेगेटिव के लिए देखिए, तो यहाँ पर अगर हम ई सेल, ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करें, ई नोट सेल की वैल्यू होती है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब हम कैथोड और एनोड को कैसे चूज करेंगे, जो कैथोड होता है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाली स्पीसीज एक्ट एज कैथोड, एंड जिसका कंडक्शन की, सो BrO3 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है BrO4 नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन, मतलब ये हो जाएगी एनोड वाली रिएक्शन क्योंकि हो रही है ऑक्सीडेशन, एंड BrO3 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है HBrO में, तो ये क्या हो जाएगी कैथोड। सो अगर ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.5 माइनस 1.82, तो ये आंसर कितना जाएगा, ये आंसर आएगा पॉजिटिव में, ये आंसर आएगा नेगेटिव -0.32। अब ई नोट सेल नेगेटिव आ गया तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो डेल्टा जी है वो क्या आएगा पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, सो ये अंडरगो रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्पीशीज के लिए देखिए, दैट इज HBrO4, HBrO, यहाँ पे HBrO जब कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, तब यहां पर क्या हो रही है इसकी रिडक्शन, सो ये तो रिएक्शन हो जाएगी कैथोड पर। एनोड की रिएक्शन देखें, सो HBrO किस में कन्वर्ट होगा, BrO3 नेगेटिव में, यहाँ क्या हो रही है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन, सो ये हो जाएगी एनोड पर रिएक्शन। अब अगर हम इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करें, ई नोट सेल इज ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, सो दैट विल बी 1.595 -1.5, सो ये आंसर आएगा पॉजिटिव में, सो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी निगेटिव, सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ऑल्सो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है,
मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज Br2 की, Br2 के लिए इनोट सेल फाइंड आउट करते हैं, सो दैट विल बी 1.0652 माइनस 1.595 वोल्ट। तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू इन निगेटिव, इनोट सेल नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सो द स्पीशीज विच अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन इज HBrO। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। होप यू फाइंड योर आंसर, अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।